नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 10 ऐसी फिलोडेंड्रॉन वैराइटीज पर वीडियो बनाया था जिनको कि आपको खरीदना चाहिए बारिश के समय, या जिनको कि आप लगा सकते हैं। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने कहा कि ये वैराइटीज़ तो एक्सपेंसिव हैं, हमें फिलोडेंड्रॉन लगाने हैं पर हमें कुछ ऐसी वैराइटीज़ बताइए जो रीजनेबली प्राइज हों, यानी कि कम कीमत में मिलती हों, दूसरा हर शहर में आसानी से मिल जाती हों और पूरे साल एक जैसी चलती हों, यानी कि मौसम पे उनका असर नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फिलोडेंड्रॉन वैराइटीज़ के बारे में बताऊंगी। एक तो वो हर शहर में मिल जाएंगी, दूसरा बहुत ही इजी टू केयर और मेंटेन है, तीसरी बात उनकी कीमत भी काफ़ी कम है और आप इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने उन एरियाज में जहां पर लाइट रिलेटिवली कम आती है। तो चलिए इन वैराइटीज के बारे में बताऊंगी। इन पे मैंने केयरिंग वीडियोस बना रखे हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड में मिलेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वैराइटीज और उनके बारे में एक दो जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वही बताऊंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन ऑरेंज, जिसकी नई पत्तियां बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर की या कॉपरिश शेड की होती हैं और जब ये पुरानी हो जाती हैं तो थोड़ी सी नियोनिश ग्रीन कलर की हो जाती हैं। ये खूबसूरत वैरायटी है जो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, सारे फिलोडेंड्रॉन्स की तरह इसके पत्ते भी काफ़ी चौड़े और बड़े होते जाते हैं। देखने में ये खूबसूरत वैरायटी है और कई बार ये प्रिंस ऑफ ऑरेंज के नाम से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है पर सामान्य नर्सरीज में ये रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। वैसे भी जब आप ऑनलाइन प्राइजेस देखेंगे और नर्सरी प्राइस देखेंगे तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है फिलोडेंड्रॉन्स के। दूसरी वैरायटी है ट्री फिलोडेंड्रॉन, फिलोडेंड्रॉन सेलम या लेसी लीफ फिलोडेंड्रॉन। ये मेरे हिसाब से तो एक आइडियल फिलोडेंड्रॉन है और इसमें जब ये बड़ा होने लगता है तो इसकी लीव्स में मॉन्स्टेरा की तरह से फेनेस्ट्रेशन भी उभर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और आप देखिए धीरे धीरे पत्तियां इतनी बड़ी होती जा रही हैं। पेड़ पे चढ़ाइए, मॉस पोल पे लगाइए, बिना मॉस पोल के लगाइए, दीवारों के सहारे चढ़ा दीजिए। एक रॉयल और रीगल वैरायटी है और खासकर अगर जगह है तो लाइफ में एक बार इस प्लांट को जरूर लगाना। इससे ज्यादा खूबसूरत फिलोडेंड्रॉन कोई नहीं होता है। हजार हाइब्रिड्स निकल आए हों पर इस प्लांट की जो ब्यूटी है वो डिफरेंट ही होती है। फिलोडेंड्रॉन रोजो कॉन्गो, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका हाइब्रिड हमारा फिलोडेंड्रॉन बर्किन है और ये एक टिपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाली वैरायटी है जो अगर आपके घर में लगी होती है तो अपने जायंट शेप, जायंट पत्तियों की वजह से ये एकदम एक रेन फॉरेस्ट में आपके घर को कन्वर्ट कर देती है। तो आप एक अच्छा अर्बन जंगल तैयार करना चाहते हो तो ये एक मस्ट हैव फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, इसको आप जरूर लगाइए। इसकी पत्तियां डार्क कलर की होती हैं, आसानी से मिलने वाली वैरायटी है, आसानी से प्रोपेगेट होने वाली वैरायटी है। शायद कभी मेरे पास दो प्लांट लाए थे मैंने और अब धीरे धीरे करके कम से कम 10-12 प्लांट्स हो चुके हैं। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन एरियोबेसेंस या फिर रेड लीफ फिलोडेंड्रॉन। ये भी एक अच्छी फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। आप साल में इसको अगर एक हेल्दी प्लांट है तो कम से कम 7-8 प्लांट नए बना सकते हैं। मॉस पोल पे अगर आप सपोर्ट देके लगाएंगे या पेड़ पे वॉल पे चढ़ाएंगे तो इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है और देखिए इस तरह से इसकी एरियल रूट्स निकलती रहती हैं और आप इसको आसानी से काट के अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। मेरा ये प्लांट लगभग 6 फीट के लगभग पहुंच चुका है और इससे मैंने कम से कम 20 प्लांट बनाए होंगे। आसानी से आपको हर नर्सरी में ये वैरायटी मिलेगी। इस समय आप इसको लगाइए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सच में हरियाली आए तो फिलोडेंड्रॉन को ज़रूर लगाइए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हर समय ये क्रिप करते रहते हैं कि उनके यहाँ धूप नहीं आती है, प्लांट नहीं चल पा रहे हैं, कोई भी प्लांट नहीं चलता है, उनको तो फिलोडेंड्रॉन लगाने चाहिए। ये लो लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं और ये आपको कभी भी निराश नहीं करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, दिमाग में जो रहता है कि इनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालने लगते हैं। इनको पानी कम डालना है बल्कि मिस्टिंग इन पे ज़्यादा वर्क करती है। अगली वैरायटी है मेरी पसंदीदा बर्ल मार्क्स, और ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जिसकी थोड़ी इलोंगेटेड हार्ट शेप लीव्स होती हैं और इतनी शाइनी और इतनी नीट एंड क्लीन लीव्स होती हैं, घर के अंदर रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसकी एक खासियत यह है कि आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट अच्छा लगता है और अगर पॉट में लगाना है तो मॉस पोल के सहारे लगाइए। ये भी प्लांट बहुत ही
इजी टू मेंटेन है, पर सर्दियों में आपको इसको फ्रॉस्ट से बचाना चाहिए और इसमें वाटरिंग बहुत ही मिनिमल कर देनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर ये प्लांट सर्दियों में खराब होता है। फिलोडेंड्रॉन जैनेडू, इसकी दो वैरायटीज मेरे पास हैं, एक तो रेगुलर वैरायटी और दूसरी गोल्डन जैनेडू। ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं, हर नर्सरी में आसानी से मिलेंगे। इनका छोटा सा पॉट आपको 80 से 100 रुपीज़ में मिल जाएगा जिसको कि लाके आप लगा सकते हैं। और इस प्लांट को भी पानी काफ़ी कम चाहिए, मिस्टिंग आप इस पर रेगुलर करिए और मॉडरेट सनलाइट एरिया में इसको रखिए। और इसको भी आप, इसकी जो छोटी ड्वार्फ वैरायटी है उसको आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, उसमें लगे हुए भी ये काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। फिलोडेंड्रॉन जंगल पूगी, ये फिलोडेंड्रॉन की बड़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी है। इसकी पत्तियां लंबी पतली और इनके जो किनारे होते हैं वो टाइगर टूथ के जैसे होते हैं, इसलिए इसको टाइगर टूथ फिलोडेंड्रॉन भी कहा जाता है। इसकी ही हाइब्रिड वैरायटी रिंग ऑफ फायर है जो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, पर ये जो वैरायटी है ये बहुत ही नॉर्मल और रीजनेबल रेट्स में आपको नर्सरीज में मिलेगी। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन मूनलाइट, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसकी नई पत्तियां येलोइश नियॉन कलर की होती हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये वैरायटी भी आजकल लगभग हर नर्सरी में अवेलेबल है और एक फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। आप देखिए, मैंने पिछली साल इसको लिया था, तब से 2-3 इसके नए प्लांट्स बना के अलग अलग एरियाज में लगा चुकी हूँ। आप इसको पॉट में लगा सकते हैं, इवन आप इसको भी हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं या मग प्लांटर्स जो होते हैं उनमें भी आप इसको लगा सकते हैं, वहां पर भी ये अच्छे से ग्रो होते हैं। फिलोडेंड्रॉन को रखने के लिए जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ बेस्ट होता है और इनमें एक अच्छा अरॉइड पॉटिंग मिक्स डालना चाहिए जो थोड़ा सा चंकी हो, यानी कि उसमें थोड़े बहुत कंकड़ के टुकड़े हों। अगला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन बर्किन, ये हम सब का फेवरेट प्लांट है, ज्यादातर लोगों का विशलिस्ट प्लांट होता है, बहुत सारे लोग इसको खरीद चुके हैं। पर एक प्रॉब्लम आती है कि इस प्लांट का जो नेचर होता है वो जल्दी समझ में नहीं आता है, पर अगर आप कम पानी डालेंगे और इसको एक मॉडरेट सनी स्पेस में रखेंगे वहां पर भी ये अच्छे से चलता रहता है। यानी कि फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज के मुकाबले इसको थोड़ी सी ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। अगले हैं हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन्स, इनकी 3-4 वैरायटीज मेरे पास हैं। हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन को बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मनी प्लांट बताते हुए, ये मनी प्लांट नहीं होते हैं, ये होते हैं फिलोडेंड्रॉन्स। और इनकी एक वैरायटी ब्राजील है, नियॉन है, इसके अलावा रेगुलर ग्रीन वैरायटी है। इनको आप हैंगिंग प्लांटर्स में मॉस पोल्स के सहारे लगा सकते हैं, अपने बड़े पेड़ों पर चढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है जिसको कि आप बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा प्लांट की नीड होती है तो भी इस वैरायटी को लगाना चाहिए क्योंकि इससे आपके बहुत सारे प्लांटर्स तैयार हो जाएंगे और साथ ही अगर आपके पास बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो उन पे भी चढ़ाइए। ये एक बहुत ही नीट क्लीन पत्तियों वाली वैरायटी है जो देखने में सुंदर होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनके लिंक शेयर कर सकते हैं, वो पसंद आने पर उन पे कॉमेंट जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।